दूसरे चरण में आज पटना की 9 विधानसभा सीटों पर मतदान होने जा रहा है। पटना की कुछ सीटों पर पहले चरण में वोटिंग हो चुकी है और बाकी बची सीटों पर आज वोट पड़ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मां राबड़ी देवी के साथ वोट डालने वेटनरी कॉलेज स्थित बूथ पर पहुंचे और जहां दोनों ने वोटिंग किया। तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी ने पटना की पोलिंग बूथ नंबर 160 पर मतदान किया। इस दौरान तेजस्वी यादव ने लोगों से ज्यादा वोटिंग करने की अपील की है। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर बदलाव चाहते हैं तो लोकतंत्र के इस पर्व में ज्यादा से ज्यादा अपनी भागीदारी दिखाएं और बिहार में बदलाव और कार्रवाई वाली सरकार लाएं। वोटिंग के बाद राबड़ी देवी ने कहा कि बिहार में बदलाव की गंगा बह रही है, बिहार को बदलाव चाहिए। इस दौरान बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा कि तेजस्वी भवा बिहार। बता दें कि आज 94 विधानसभा सीटों पर वोटिंग है और इसी सिलसिले में पटना में वोटिंग करने के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी पहुंची और दोनों ने मिलकर वोट डाला है। और मैं सभी बिहार के लोगों से अपील करूंगा कि सभी लोग जो है मतदान केंद्र पे जाकर के इस लोकतंत्र का जो फेस्टिवल है, जो लोकतंत्र का जो त्यौहार है, इसमें भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा लें। और सब लोग से अपील करेंगे और उम्मीद है कि अपनी सुरक्षा कोरोना को देखते हुए मास्क सैनिटाइजर का सब लोग इस्तेमाल करें। साथ ही साथ जो परिवर्तन की जो लहर जो बह रही है, जो बदलाव लोगों के मन में है, आज बिहार के लोग पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, महंगाई और सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार को चुनना चाहते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि लोकतंत्र में सब लोग अपने मतों का इस्तेमाल करके बदलाव जरूर करेंगे। प्रधानमंत्री को हम आप हम लोगों ने चिट्ठी लिखा है, सवाल जो है वो पूछे गए हैं और उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री उस चिट्ठी का जवाब या आज जो प्रचार में आ रहे हैं उन बिंदुओं पर वो अपनी बात को रखने का काम करेंगे। लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि बिहार जो है विगत दिनों से बुरे दौर से गुजर रहा था। बाढ़ हो, कोरोना हो, मजदूरों की स्थिति हो, पलायन हो, सभी लोग जो हैं परेशान थे। और मौजूदा जो सरकार है उससे लोग खफा हैं। इसलिए मैंने पहले भी कहा, पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली बिहार को सरकार कह रहे हैं कि आप भरवाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे बिहार में बदलाव चाहिए, बदलाव से गंगा बह रहा है। बिहार के जनता का आशीर्वाद है। तेजस्वी आपने क्या आशीर्वाद दिया?